तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम बाहर ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको अपना गांव का पंचायत भवन दिखाने वाला हूं जो हम लोग के घर के जस्ट बगल में है। तो मैं आपको अपना पंचायत भवन लेके चलता हूं जो हमेशा बंद रहता है, आज भी बंद है, लेकिन मैं आपको बाहर से पंचायत भवन का कुछ जानकारी बताऊँगा और पंचायत भवन दिखाऊँगा। तो चलिए आइए देखते हैं पंचायत भवन, फॉलो मई। दोस्तों ये बोया का जो MN Y का वायर है बहुत लंबा है जो मेरे लिए फालतू है, मतलब मेरे लिए यूज़लेस है, तो इसीलिए मैं इसको पकड़ पकड़ के घूम रहा हूँ। अब आइएगा आइएगा पीछे पीछे आइएगा। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं, ये है हम लोग का गांव का ग्राम पंचायत पार्वतीपुर का पंचायत भवन। अगर आप ऊपर देखेंगे तो कार्यालय ग्राम पंचायत पार्वतीपुर जनपद पंचायत सूरजपुर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको पंचायत भवन का लुक दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार है, जिसके मतलब ये पक्का का मतलब पंचायत भवन है, वैसे पक्का का ही रहता है। इसके सामने इसका सीट मतलब सेट लगा हुआ है, यहाँ पर टाइल्स बिछा हुआ है और शटर का दरवाज़ा लगा हुआ है और उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। और इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर ऑरेंज कलर में ये मतलब पंचायत भवन दिख रहा है जो बहुत ही अच्छा है। आइए मैं आपको और आगे जाके दिखाता हूँ। तो मैं बहुत सा अपना जो ब्लॉग है, चाहे रिव्यू का ब्लॉग है चाहे कोई सा ब्लॉग है, मैं यहीं पर आके शूट कर किया था एक दो ठो, देख सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में अगर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर है आपका मुनगा घर, यहाँ पर मतलब समूह वालों के लिए ये मुनगा घर बनाया गया है सरकार की सहायता से। इसका नाम है वंदन महिला सशक्तिकरण केंद्र, मोरिंगा प्रशिक्षण केंद्र ग्राम पंचायत पार्वतीपुर विकासखंड एवं जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। उसके जस्ट बगल में दोस्तों मैं अगर आपको वहाँ पे दिखाऊं तो वहाँ पे हम लोग के गांव का यहाँ पे आंगनबाड़ी है, गांव का नहीं है, गांव में कम टोटल 3 से 4 आंगनबाड़ी है। तो हम लोग का स्कूल परक का आंगनबाड़ी केंद्र है। और उसके जस्ट बगल में दिखाऊँगा तो ये हम लोग का मिडिल स्कूल है, और उस पर अगर मैं दिखाऊँगा तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। अगर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा तो वहाँ पर हम लोग का घर है। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कुछ अपना छोटा सा ब्लॉग में दिखाना चाहता था। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो में अपना प्यार से ही बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।